फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, थंबनेल से आपको आइडिया तो हो चुका होगा कि आज की वीडियो में हम क्या दिखाने जा रहे हैं। जी तो डियर्स, आज हमारे पास है होंडा सिटी 2010 मॉडल। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है, वैसे वैसे जाहिर है हर किसी की कोशिश रहती है कि हमारी कार का जो हीटर है वो प्रॉपर काम करना चाहिए। इस कार में हीटिंग का इशू आ रहा था क्योंकि हीटर जो है वो अपना प्रॉपर वर्किंग में नहीं कर रहा था। कुछ जो डक्ट्स थी वो हॉट एयर दे रही थी और कुछ वाली साइड से जो है वो ठंडी हवा आ रही थी। तो इसको हमने पहले मैन्युअली चेक किया सारा, इसके जो जो बाहर से पाइप्स वगैरह हैं उनको भी सारा फ्लश किया। प्रेशर वाले पाइप से हमने हीटर के पाइप्स उतार के इसको अच्छे से फ्लश किया ताकि ये बगैर रिप्लेस किए वर्किंग करनी शुरू कर दे। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद हीटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा चोक था, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा, प्रॉपर काम नहीं कर रहा। सर्विस करने के बावजूद हीटर काम नहीं कर रहा था, इसलिए फिर इसको रिप्लेस करने का डिसाइड हुआ। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें डैशबोर्ड को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इसके जो हीटर के पाइप वो हीटर के साथ फिक्स होते हैं। कुछ गाड़ियों के होते हैं कि वो अलग से हम उनको पाइप को रिमूव करके हीटर को अलग कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में जो है वो डैशबोर्ड ही रिमूव करना पड़ेगा। जी तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखें, इसके जो हीटर के पाइप्स हैं वो हीटर के साथ फिक्स हैं, इसलिए इसको इसका हीटर जो है वो कंप्लीट बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम डैशबोर्ड को जो रिमूव करेंगे, डैशबोर्ड के लिए जो हम दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स के जो 12 mm के 3 bolts हैं उनको हम रिमूव करेंगे, और जो सेंट्रल कंसोल है वो तो हमने ऑलरेडी इसको रिमूव कर लिया है। उसके बाद हम इसका ब्लोअर वगैरह भी रिमूव करेंगे और जो स्टेयरिंग कॉलम है उसको भी लूज़ करेंगे ताकि हम इसका जो हीटर बॉक्स जो है उसको बाहर निकालें। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसका जो डैशबोर्ड है वो हमने रिमूव कर लिया है। अब नेक्स्ट टर्न है इसका जो है ब्लोअर, उसको उतारेंगे। तो इस गाड़ी की जितनी भी वीडियोस आपने अब तक देखे होंगे उन सब वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो एसी की गैस है उसको वेस्ट कर दिया जाता है हीटर चेंज करने के लिए। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एसी की गैस जो है इसको वेस्ट होने से बचाएंगे, इसको वेस्ट नहीं होने देंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ी एहतियात से हमने जो है इसका जो हीटर है इसको इसका बॉक्स में से अलग करना है। तो जी, आप देख सकते हैं कि इसमें इस वक्त इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसको हमने रिमूव कर दिया है। इस वायरिंग में कुछ ऑल्ट्रेशन की वजह से कुछ वायरिंग के ग्रिप्स ऐसे थे कि जिनको हम डिसमेंटल नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें जो इसका डैशबोर्ड है वो सारा बाहर नहीं निकालना पड़ा। ये तो डियर, आप देख सकते हैं कि जो इसका हीटर है इसको हमने निकाल दिया है, और ये हीटर जो है ये फुल चोक था। और आप देख सकते हैं कि इसके राइट साइड पे राइट कॉर्नर पे जो है वो थोड़ी सी लीकेज भी हुई है, जिसकी वजह से पॉसिबल है कि इस गाड़ी का जो पानी का लेवल है वो भी कम होता होगा। जैसे डियर, आप देख सकते हैं कि जो इसका जो हीटर बॉक्स है उसको हमने रिमूव नहीं किया, और थोड़ी सी कोशिश करके हीटर और उसके पाइप्स जो हैं उसको पूरा जो हमने बाहर निकाल लिया है, जबकि इसका जो कूलिंग कॉइल है वो अभी भी बॉक्स के अंदर ही है, उसको हमने रिमूव नहीं किया। क्योंकि उसको अगर हम रिमूव करते हैं तो उसके लिए हमें गैस जो है एसी की जो ओरिजिनल गैस है वो हमें वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने इसको हीटर बॉक्स को थोड़ा सा लूज़ करके आगे कर लिया और हीटर को पाइप समेत हमने बाहर निकाल लिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें, यहाँ पे हीटर के पाइप लगे हुए थे, और जबकि एसी का जो गैस के जो पाइप हैं एसी के, वो दोनों पाइप अभी भी लगे हुए हैं क्योंकि हमने इसका हीटर बॉक्स जो है वो उसको रिमूव नहीं किया। तो डियर, अब हम इसको सारा फ्लोर के साथ काफ़ी डस्ट की वजह से काफ़ी डर्टी हुआ है, इसको हम क्लीन करेंगे फ्लोर की मदद से, और उसके बाद जो न्यू हीटर है वो इसमें हम इंस्टॉल करेंगे।
ब्लोअर की मदद से हमने इसको क्लीन किया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा डस्ट इसके ऊपर लगी हुई है। ये क्योंकि हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको यहीं पर क्लीन करना पड़ेगा। इसलिए इसको किसी डस्टर से क्लीन करेंगे और देन फिर हम इसमें जो न्यू हीटर है वो उसको इंस्टॉल करेंगे। इसका जो हीटर है उसको निकालने के लिए थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत है पड़ रही थी हमें, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम थी। इसलिए हीटर को बॉक्स में से निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इसको आगे की तरफ पुश करना पड़ा और बड़े आराम से जो है इसको पाइप विद पाइप हमने हीटर को रिमूव कर लिया। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन क्योंकि गैस सेव करनी थी इसलिए हमें थोड़ी सी ये कोशिश करनी पड़ी। तो इसका जो ओल्ड हीटर था वो चोक था और एक साइड से उसमें लीकेज भी थी, तो इसलिए फिर हमने इसका न्यू हीटर जो है वो मार्केट से मंगवा लिया था। ओरिजिनल हीटर भी अवेलेबल था, लेकिन उसका फिटिंग का थोड़ा सा इश्यू था, इसलिए हमने जो बॉक्स पैक चाइना का काफ़ी अच्छा जो अच्छी क्वालिटी वाला हीटर था वो मार्केट से परचेज़ किया है और अब हम उसको इंस्टॉल करेंगे हमारी कार के अंदर। तो देख सकते हैं डियर कि ये देखिए हमने इसको एक कार का जो हीटर बॉक्स है उसके अंदर हमने न्यू हीटर जो है इंस्टॉल कर दिया है और उसके पाइप्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। मार्जिन काफ़ी कम था इसलिए बहुत ही मुश्किल था इसको फिट करते हुए वीडियो बनाना। न्यू हीटर इंस्टॉल करने के बाद इसको ऊपर वाला जो कवर है उसको रख के हम चेक करेंगे कि पाइप्स वगैरह में अगर थोड़ा बहुत इशू है तो उसको हम एडजस्ट कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिटिंग बेहतरीन रही है और उसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया। और ये देख सकते हैं कि आप जो हीटर की जो पाइप्स हैं वो अब बॉडी से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे हम इसके जो रबड़ के पाइप हैं उनको जॉइंट्स करेंगे। और साथ साथ मैं आपको दिखाते चलूँ कि ये देखें जो इसकी एसी की ओरिजिनल पाइप हैं वो भी हमने डिसमेंटल नहीं किए हुए थे। तो अब जो है इसका हीटर बॉक्स जो है उसको हमने फिट कर दिया है और देन नेक्स्ट वन है इसके फ्लोर की, इसको फ्लोर को दोबारा फिटिंग करेंगे और उसके बाद जो इसका डैशबोर्ड है उसको वापस हम इसकी ओरिजिनल फिटिंग में फिट करेंगे। तो इसको जितने भी बोल्ट्स हैं उनको हम ध्यान से प्रॉपर फिट करेंगे और ताकि कि किसी किस्म की लूजिंग ना रहे और कोई किसी किस्म की कोई कंप्लेन ना आए कस्टमर की तरफ से, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी गाड़ी को डैशबोर्ड डिसमेंटल करवाने के लिए एग्री नहीं होते। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम अगर किसी चीज़ इसकी इसको डिसमेंटल किया है तो उसको फिटिंग उसकी दोबारा एज इट इज़ करें ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में कस्टमर को। तो डियर आप देख सकते हैं कि जो फ्लोर है इसको भी हमने फिट कर दिया है और इसको हमने क्लीन भी कर दिया है जहाँ तक हो सके। और नेक्स्ट हमने इसका जो डैशबोर्ड है इसको वापस अपनी इसकी ओरिजिनल जगह पे फिट किया है और इसके जो दोनों साइड्स के बोल्ट्स वगैरह हैं उनको अब हम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इसका सेंटर कंसोल जो है उसको भी फिट करेंगे दोबारा। तो उसके बाद हम जब हमारी कार कंप्लीट फिट हो जाएगी, उसकी वायरिंग्स के ग्रिप्स शिफ्ट वगैरह हर चीज़ जब इंस्टॉल हो जाएगी तो देन हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे कार को और अपना हीटर की परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक किया कीजिए, क्योंकि बेल आइकॉन पर क्लिक करने का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा वो फ़ौरन आप लोगों तक पहुँच सकेगी और आप लोग उसको ईज़िली जो है वॉच कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ताकि जो देखने वाले हैं उनको किसी किस्म की उनके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस वीडियो में भी हमने
जैसे कि थंबनेल में बताया हुआ था कि हम जो है इसकी गैस को सेव करेंगे विदाउट वेस्टिंग द ओरिजिनल गैस, हम इसका हीटर कोड चेंज करेंगे। तो इंशाल्लाह हमने इसको ऐसे ही किया और इसको कार को जो न्यू हीटर है इसमें इंस्टॉल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड की ऑलमोस्ट फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, राइट साइड पे थोड़ी सी फिटिंग रह गई है और सेंट्रल कंट्रोल की फिटिंग रह गई है रह चुकी है। साथ ही हम इसमें इसका पानी का लेवल जो है उसको पूरा करेंगे और साथ ही कार को स्टार्ट कर देंगे, तो ताकि जो है जितनी देर में बाकी फिटिंग हो रही है साथ साथ हमें जो हीटर की परफॉर्मेंस है उसका भी आइडिया हो जाए। तो कार को हम स्टार्ट करके इसमें वाटर डालेंगे ताकि वाटर लेवल जो है वो एक ही दफ़ा में कंप्लीट हो जाए। जी अब कार हमारी स्टार्ट हो चुकी है और हम जॉइंट्स की लीकेज वगैरह भी चेक करेंगे, तो हीटर जो है वो वर्किंग करना शुरू हो गया है, पाइप हल्के हल्के से हॉट होने शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये अंदर से दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमने इसको फिटिंग किया है दोबारा न्यू हीटर इंस्टॉल करके, इसका जो ऊपर कवर है उसको भी प्रॉपर तरीके से हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो क्लच लीवर है इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। अब वैसे नॉर्मली जब हम हीटर चेंज करते हैं तो इसके लिए क्लच लीवर को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस कार की हमने गैस सेव करनी थी तो इसलिए हमें इसका जो क्लच लीवर है इसको भी रिमूव करना पड़ा, क्योंकि अगर हम इसको रिमूव नहीं करते तो जो हीटर है वो हमारा वो बॉक्स में से बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि वहाँ पे स्पेस बिल्कुल थोड़ा सा था, तो इसलिए हमें इसका जो क्लच लीवर है इसको रिमूव करना पड़ा। जी तो ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो वापस रिपैक हो चुकी हैं, अभी फ्यूज बक्स जो है उसको भी हमने दोबारा फिट कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि फ्यूज बक्स को भी लूज़ किया था और उसके अलावा स्टेयरिंग को भी हमने रिमूव किया था, लेकिन स्टेयरिंग हमने टोटली डिसमेंटल नहीं किया था। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके जो कुछ वायरिंग में ग्रिप्स थे जिसको हम डिसमेंटल नहीं कर सकते थे, तो इसलिए फिर हमने ये चीज़ें जो हैं इनको टोटली डिसमेंटल नहीं किया था, बस हमने इसको लूज़ किया था और ताकि हमारा जो इतना स्पेस हो जाए कि हम हीटर जो है इसको आसानी से बाहर निकाल सकें। तो अब बस लास्ट में इसका जो स्टीयरिंग के नीचे कवर है उसको फिट करेंगे, तो ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी जो है वो पैक हो चुकी है और माशाल्लाह हीटिंग भी ज़बरदस्त कर रही है, ज़बरदस्त हीटिंग कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हमने पूरी कोशिश की कि आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो देखने को मिले। तो इसका जो कंसोल है इसके भी जो बैक साइड पे दोनों तरफ स्क्रूज हैं वो उनको भी इंस्टॉल करेंगे और ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन एंड होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद ज़हूर ऑटो रिपेयरिंग। इफ़ यू कार हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन विजिट माय वर्कशॉप इज़ लोकेटेड इन लाहौर नियर दुनिया न्यूज़। यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी on WhatsApp and search me anytime. Thank you very much for watching my videos. Allah Hafiz.